सिल्वर स्क्रीन पर साउथ के इस सुपरस्टार से भिड़ेंगे संजय दत्त, नेगेटिव रोल के लिए मांगी करोड़ों की फीस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने इस साल केजीएफ चैप्टर 2 और शमशेरा जैसी दो बड़ी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया है और फैंस संजय की एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं। इसीलिए कई डायरेक्टर संजय को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं और अब संजय दत्त को डायरेक्टर लोकेश कनग राज ने अपनी अगली फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए ऑफर दिया हुआ है। जी हाँ, संजू बाबा को विक्रम में लोकेश कनग राज की डायरेक्शन काफी पसंद आई और उन्होंने तुरंत लोकेश के साथ काम करने का ऑफर एक्सेप्ट किया। फिल्म की बात करें तो इसमें साउथ मूवीज के सुपरस्टार विजय थलापति लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में विजय एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं और संजय दत्त विलन का, और ये एक गैंगस्टर की लाइफ पर बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। हालांकि फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन इसकी शूटिंग अगले महीने शुरू हो जाएगी। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर लोकेश कनगराज को फिल्म में विलन के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो काफी पावरफुल दिखे, और संजय दत्त से ज्यादा पावरफुल विलन भला कौन बन सकता है। और संजय दत्त इस फिल्म के लिए करीबन 10 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2, पानीपत, शमशेरा, अग्निपथ और खलनायक जैसी कई बड़ी फिल्मों में एज अ विलन संजय दत्त को काफी पसंद किया गया है। खैर, क्या आप भी हमारी तरह संजू बाबा के बिग फैन हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बॉलीवुड नजर में।